जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों भारी बारिश और बर्फबारी में हाईवे में कई मकामों पर नुकसान हुआ। उसके मद्देनजर पिछले तकरीबन 10 दिनों से ज़्यादा तकरीबन 2 हफ्ते से हाईवे वन वे चल रहा है, जिसमें कम्यूटर्स को भी काफ़ी परेशानी आ रही है। चूँकि कई जगहों पर ऐसा मसला बन गया था कि जो स्लाइड गिरे हुए थे वो गीले थे, उनको उठा पाना मुमकिन नहीं था। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रॉपर हाल्टेज लिया है जो 12 घंटे का है, जिसमें आज रात 9 तारीख को 10 बजे से लेकर कल 10 रविवार को सुबह 12 बजे तक हाईवे बंद रहेगा। उसी के चलते चलते आज 5 बज चुके हैं, इस समय से जम्मू से ट्रैफिक बंद कर दिया गया है और कश्मीर से भी ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। अभी हमारा अपना पर्पज रहेगा कि बीच की गाड़ियाँ हैं उनको क्लियर किया जाए, और उसके बाद रात को दरवाज के मुकाम पर महाड़ में, पंथियाल में, हिंगनी वन पर, कांगरू में, शालगढ़ी में और बनिहाल में एक दो जगह पर रोड को रिपेयर करके प्रॉपर टू वे ट्रैफिक के लिए वर्दी बनाया जाए ताकि कम्यूटर्स को परेशानी ना हो। मेरी आपकी बताई हुई रिक्वेस्ट है कि जैसे कि इसमें जो रिपेयर है मल्टीपल जगह पर हो रही है, तो क्या पता वो एक जगह ट्रेन पर अगर संगलधान में उतरें और आगे दरवाजे में काम चल रहा वो नहीं पहुँच पाएंगे। तो मेरी हमने इवन जो एक इसमें जो व्हाट्सएप मैसेज हैं रेलवे ऑफिसर्स को भी ट्रांसमिट किए हैं ताकि वो टूर ऑपरेटर्स को, टैक्सी ऑपरेटर्स को इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए कि आज आप रात को हाईवे पर सफ़र नहीं कर पाएंगे, क्या पता आप एक पॉइंट पार कर पाएँ, अगला पॉइंट पार ना कर पाएँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी जहाँ कल कोई बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा होगा उसको पूरा कोशिश किया जाएगा कि उसके काम में खलल ना पड़े और उसको उस पॉइंट से निकाला जाए, उसको लो किया जाएगा, खासकर पैसेंजर्स को पूरा लो किया जाएगा और जो अपने कमर्शियल गाड़ी होगी उनका बिल देखकर उनको भी लो किया जाएगा।